नेक्स्ट देखो अपने पास इसमें क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। पहले तो हम ये समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड आपके पास एक थ्योरम है आयलर थ्योरम, और उस आयलर थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली सोल्व करते हैं वो चीज समझेंगे। ठीक है, दो चीजें, पहले तो ये देख लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में कोई आपके पास पॉलिनोमियल टाइप दिया हुआ, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन विच एवरी टर्म, इन विच एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन। इट्स कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इट्स कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास एक्स और वाई दो फलन में ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं अपने पास वेरिएबल, एक्स और वाई से भी ज्यादा हो सकते हैं, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, दो या दो से अधिक सर आपके पास हो सकते हैं, बट यहां पे आपके पास जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली दो वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई में, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है। तो हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ, यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन एफ एक ऐसा व्यंजक हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन हो बोल आपके पास, इसके प्रत्येक पद में चरों चरों यानी कि एक्स वाई जेड जो भी है वेरिएबल उनका की जो घात है उनका योग, घातों का योग, यहां पे तो हमने वैसे लिख दिया ये कि एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री, तो यहां पे इस चीज का कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये टर्म दी हुई है मान लो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो यहां पे हर एक टर्म में देखो यहां पे पावर कितनी है टू, यहां पे पावर कितनी है वन प्लस वन, टोटल टू, इस तरह से देखी जाएगी। ये नहीं कि आपके पास एक्स की पावर टू है तो हर टर्म में पावर टू होनी चाहिए, पावर आपके पास सिंगल भी हो सकती है, जैसे मान लो ये लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, जैसे ये लिख दिया प्लस जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई स्क्वेयर जेड, ये सारी टर्म्स इनमें टोटल जो सम है वो आपका क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, यानी जो भी वेरिएबल आपको दिए हुए हैं एक्स हो वाई हो या जेड हो उनकी पावर्स का जो टोटल सम है वो हर एक टर्म में आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे थ्री है इस टर्म में एक्स वाई जेड, टोटल जो पावर्स का सम है वो थ्री है, यहां भी 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 थ्री है, ये एक तरह से क्या हो जाएगा आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, समघात फलन कहलाएगा। इस चीज में कोई डाउट, कई बार डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं कि होमोजीनियस फंक्शन है, उसको हमें बनाना पड़ेगा होमोजीनियस की फॉर्म। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई एफ ओफ एक्स वाई, फंक्शन किसका है एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन, एक्स की पावर एक कम हो गई बट यहां पे वाई की पावर बढ़ गई, तो ओवरऑल जो पावर है वो तो अभी भी क्या बची एन माइनस वन और इसकी पावर वन, तो टोटल पावर तो एन ही है। फिर ए टू एक्स की पावर मान लो एक और कम हो गई तो वाई की पावर एक और बढ़ा दो, तो टोटल जो एक्स और वाई की पावर है उसका सम अभी भी क्या है आपका एन है, इस तरह से एंड सो ऑन, एक्स की पावर कम होते होते आपकी जीरो पे आ गई तो ये लिख देंगे ए एन, एक्स की पावर तो जीरो और वाई की पावर मैक्सिमम हो जाएगी, वाई की पावर आपकी एन हो जाएगी। कुछ इक्वेशन नंबर वन इसको नाम भी दे दो इस तरह से, ठीक है। इन दिस फंक्शन एवरी टर्म, प्रत्येक पद आपका क्या है एन डिग्री का है, एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का है हर एक टर्म में, कहीं भी आप सम करके देख लो एक्स और वाई के जो पावर्स उनका सम करके देख लो आपके पास क्या आएगा एन ही आएगा।
ये आपका एक्स और वाई का एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज होमोजीनियस फंक्शन, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों का होमोजीनियस फंक्शन एक्स एंड वाई कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। पहला तरीका तो ये है कि आपको हर एक टर्म में जो एक्स एन ये इस तरह से दिख गया अपने पास कि हर एक टर्म में पावर क्या आ रही है, पावर का जो सम है वो आपका इक्वल आ रहा है, होमोजीनियस फंक्शन एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन फ्रॉम वन, अगेन फ्रॉम वन, फ्रॉम वन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, देखो एक्स की पावर एन में कॉमन ले लेता हूं, मैंने एक्स की पावर एन क्या ले लिया कॉमन, फर्स्ट टर्म में देखो एक्स की पावर एन कॉमन लिया तो क्या बचा ए नोट प्लस, यहां पे एक्स की पावर एन कॉमन लेने का मतलब है कि नीचे आपने क्या किया एक तरह से एक्स की पावर एन से डिवाइड अपने पास, तो क्या बच जाएगा वन बाई एक्स बचेगा, आया ना, ऊपर पावर एन माइनस वन है, एक पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है, तो एक एक्स नीचे बच जाएगा, एक एक्स नीचे बचा और यहां क्या था वाई एक्स, तो ए नोट इंटू वाई वाई एक्स बच जाएगा। आगे वाले टर्म में देखना ए टू क्या था, ये है आगे वाले टर्म और इंटू वाई स्क्वायर, नीचे एक्स की पावर एन कॉमन लोगे तो ऊपर दो पावर कम है नीचे दो पावर ज्यादा, तो कैंसिल करोगे तो नीचे दो पावर बच जाएगी, तो वाई वाई एक्स का होल स्क्वायर ये बच जाएगा। ऐसे ही चलते चलते अपने पास एंड सो ऑन ए एन, लास्ट वाले में इसमें से कॉमन लोगे तो वाई बाई एक्स की पावर एन से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा, एक्स की पावर एन टोटल में से हमने क्या करवा दिया डिवाइड करवा दिया। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और जो एफ एक्स वाई है ये आपका बन गया एक्स की पावर एन इंटू कोई फंक्शन है आपका किसका वाई बाई एक्स का, देखो हर एक टर्म वाई बाई एक्स की टर्म में है, ये वाई बाई एक्स, ये वाई बाई एक्स का स्क्वेयर, ये वाई बाई एक्स का क्यूब, ये वाई बाई एक्स की पावर एन, तो एक फंक्शन है किसमें, वेरिएबल्स क्या है वाई बाई एक्स टाइप इस तरह का, तो इसको कैपिटल एफ नाम दे दिया हमने, वेयर वेयर कैपिटल एफ वाई बाई एक्स इज इज फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स इज सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का फलन। तो अगर आपका फंक्शन है वो इस तरह से लिखा जा रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, कितने डिग्री का, जो ये बाहर एक्स आ रहा है इसकी पावर कितने डिग्री का क्या कहलाएगा आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। तो इसकी जनरल डेफिनेशन अब लिख लेंगे हम, ये चीज समझ में आ गई यहां तक, दो तरीके हैं, या तो आप हर एक टर्म में कितनी पावर आ रही है वो देख लो एक्स और वाई की टोटल जो पावर है वो, या दूसरा तरीका क्या है आप इस तरह से वाई बाई एक्स की फॉर्म में उसको बना लो जो भी आपको दिया हुआ है फंक्शन उसको, अच्छा जरूरी नहीं कि वाई बाई एक्स, आगे हम पढ़ेंगे भी एक्स बाई वाई भी बना सकते हो आप, एक्स बाई वाई भी बना सकते हो, कॉमन क्या लोगे फिर वाई लोगे बाहर, तो बाहर आना चाहिए फिर वाई की कुछ पावर अगर एक्स बाई वाई का फंक्शन बना रहे हो तो, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस में हम एक्स वाई वाई का भी बनाएंगे, नॉर्मली आपका वाई बाई एक्स का ही रहेगा, ठीक है। तो वहां पे फिर बाहर वाई की जो पावर में होगा वो उसकी क्या कहलाएगी डिग्री, यहां पे एक्स की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी आपकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन इसमें लिख लेंगे, जनरल डेफिनेशन एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ध्यान रखना यहां जो आपने कॉमन लिया वो नीचे इस तरह से एक्स की पावर एन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का ये जो है ना इसकी इस डिग्री का कहलाता है एन डिग्री का। अच्छा यहां पे इससे कोई मतलब नहीं हमें,
जो y by x का जो फंक्शन है वो कुछ भी हो, जैसे आपका साइन y by x हो सकता है, e to the power y by x हो सकता है, या y by x की पावर 2+2+ ऐसे कुछ हो सकता है, तो इस फंक्शन से मतलब नहीं है। इस फंक्शन से सिर्फ इतना मतलब है कि हर एक वेरिएबल आपका फिर y by x की फॉर्म में होना चाहिए, अकेला वाई या अकेला एक्स नहीं होगा वहां पे कहीं भी, ठीक है, वाई बाई एक्स की फॉर्म में होगा हर एक वेरिएबल। ऐसा कोई फंक्शन है तो इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो अलग हो गया। बाहर जो एक्स की पावर बचेगी वो कितनी पावर बच रही है उससे हम कहेंगे कि ये आपका एन डिग्री का क्या है, पॉलिनोमियल, सॉरी होमोजीनियस फंक्शन, वट एवर द फंक्शन एफ मे बी, वट एवर द फंक्शन कैपिटल एफ मे बी, ये जो कैपिटल एफ जो फलन है वो कुछ भी हो सकता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिमिलरली इसी तरह से ये हो सकता है आपका वाई की पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है, अगर एक्स अपॉन वाई लेंगे तो फिर बाहर क्या आ जाएगा, वाई की पावर एन, ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है एन डिग्री का, ये इज ऑल्सो कोल्ड, इट्स ऑल्सो कोल्ड होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, हेलो इस चीज में कोई डाउट, फंक्शन समझ में आ गया, होमोजीनियस फंक्शन किसे कहेंगे, जैसे कोई एग्जांपल देखना चाहती है, जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल है ये है, क्वेश्चन करना नहीं है ये, मतलब होमोजीनियस देखने का बता रहा हूं सिर्फ, ये है आपका और प्लस है 5xy²z और फिर आपका है 4z, ठीक है, तो ये एक्स वाई और जेड में क्या है आपका होमोजीनियस फंक्शन है, देखो टोटल सम कितना आ रहा है, पावर 2 पावर 1 पावर 1 टोटल 4, पावर 1 पावर 2 पावर 1 4 और यहां पे z की 4 आ गई, तो हर एक पद में आपका x y z की जो पावर्स है उनका सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दूसरा तरीका किस तरह, आपने तो कहा था y by x की फॉर्म में, तो वो दो में है तब आप वहां से वैसे भी बढ़ा सकते हो, y by x की फॉर्म में बढ़ा सकते हो, या इसको मान लो आपने x y z से डिवाइड करवा दिया टोटल फंक्शन को, तो x y z से मैंने डिवाइड करवाया तो देखना यहां पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर में तो नहीं बढ़ेगा ना, अरे तीन में है वो, दो में तो हो जाएगा, तीन में कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x एक बच जाएगा और यहाँ पे 5y+4z, यहां से इसको, अरे सिंगल में नहीं जाएगा, एक्स वाई जेड में अगर डिवाइड करें फिर ये दो दो में आएगा, y by x में इसको लिख तो सकते हैं पर सिंगल में तो नहीं है ना, तीन में तो फिर वो डायरेक्ट आप सम ही देख लो कि जो जो टर्म्स दी हुई है आपको उनका हर एक मतलब x y z तीनों यहाँ पे वेरिएबल है एक तरह से, ठीक, फंक्शन फिर इसने किसका दे दिया, u का दे दिया होगा, f equals to, तो f जो है आपका x y z तीनों का फंक्शन है, तो x y z में कितनी डिग्री का, कितनी आई थी अभी 4, तो 4 डिग्री का क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई कि होमोजीनियस फंक्शन किसको कहेंगे, तो नेक्स्ट इसमें लिखेंगे आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, आयलर ने थ्योरम दी थी होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर, थ्योरम का स्टेटमेंट भी वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, वैसे हो ही जाएगा इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो, और स्टेटमेंट इफ एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन या बी ए होमोजीनियस फंक्शन, बी ए होमोजीनियस x और y का ये कोई आपका होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n,
ऑफ डिग्री है, एन घात का आपका जो है एक्स और वाई में होमोजीनियस समघात फलन है, देन ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो फंक्शन है उसका आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवाओ, और कैसा, पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करवाओ और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर उसी फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करवाओ और उसको वाई से मल्टीप्लाई करो, दोनों को एड करोगे तो ये आपका और कुछ नहीं आएगा, एन इंटू फंक्शन आ जाएगा, एन इंटू फंक्शन आ जाएगा, एन यानी कि कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था वो इंटू जो एफ है आपका वो आ जाएगा। बहुत काम की चीज है, कई सारे क्वेश्चन हम यहां से इजिली कर पाएंगे इसकी हेल्प से। पहले तो इसका प्रूफ लिख लेते हैं हम, लेट हमने मान लिया लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन, बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन इट कैन बी रिटन एज, देन इट कैन बी रिटन एज x to the power n function of y by x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, अभी बताया था आपको, then it can be written as या written in the form x की power n capital F y by x, that is, तो हमने fxy जो आपका function था दिया हुआ था उसको हमने ये लिख दिया x की power n into कैपिटल दूसरा कोई फंक्शन y बाई एक्स, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम देते हैं। क्या करना आपको, ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और उसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उसको y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों को एड करेंगे और आना क्या चाहिए, एन इंटू फंक्शन। बात समझ में आ गई, नाउ डिफ्रेंशिएट वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर वी गेट, क्या है समीकरण एक्स आपकी, ये है एफ इक्वल्स टू एक्स की पावर एन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, इसका करना था, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करने का मतलब है कि ये भी आपका x का फंक्शन है, ये वाला भी x का फंक्शन है, फोन पे बात कर लेंगे आप, क्लास अभी क्लास के बाद बात कर लेंगे, तो फोन पे बात कर लेंगे। ये है अपने पास f equals to x to the power n into f y x, अब दोनों x के फंक्शन है अपने पास, इसमें भी कुछ ना कुछ x तो है ही कहीं ना कहीं, और ये भी आपका x का फंक्शन है, तो कैसे करोगे, u into v से, u into v से, तो देखो क्या हो जाएगा, del f by del x partial derivative, ये हो गया del f by del x, कैसे करोगे, पहले तो पावर इसका x की पावर n का कर देते हैं, तो पावर तो आगे आ गई, एक पावर कम होगी x की पावर n माइनस, तो फिर इस केस में बाकी जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखोगे, जो f ऑफ y x है उसको एज इट इज रख लिया, x की पावर n वाले का कर दिया हमने प्लस, फिर अब x की पावर n वाले को एज इट इज रख लो, इसका कर दो f ऑफ y बाई x, तो इसका पहले तो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश वाई बाई एक्स, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ डैश हो गया, फिर अंदर वाली टर्म का करोगे, तो अंदर वाली टर्म में y by x का कई बार करवा दिया, अब तो क्या आएगा माइनस y by x square, माइनस y by x square, कैसे y by x का बता रखा है ना, y तो एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसको तो बाहर, और 1 by x का क्या होता है माइनस 1 by x square, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है माइनस y by x square, बहुत बार करवा दिया, तो इस स्टेप में कोई दिक्कत, इसको कुछ इक्वेशन नंबर टू मान लो, या थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई है छोड़ो इसको, क्लैरिटी कर, इक्वेशन टू मान लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली
differentiating one partially with respect to y, with respect to y we get, with respect to y we get, बताओ क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल f बाई डेल y इक्वल्स टू, अब इसमें तो y है ही नहीं तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर सिर्फ इसका होगा, तो x की पावर n तो बाहर सिर्फ उसका होगा, तो पहले तो f का करेंगे तो f का तो f डैश हो जाएगा y बाई x, और अब किसका करोगे y बाई x का, लेकिन ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई x तो कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर, और y का क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ ये आ जाएगा 1 बाई x। ठीक है, कहां तक कर लिया था ये, इसको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 नाम दे। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को तो x से मल्टीप्लाई करवा दो, इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई करवा दो और दोनों को ऐड कर दो। नाउ इक्वेशन 2 इंटू एक्स प्लस इक्वेशन 3 इंटू वाई, इनटू वाला साइन है, इसको एक्स मत समझ लिया तो डॉट लगा ले, यहां से बताओ क्या हो जाएगा यार, सिंपल ऐसे लिख देना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय एक्स एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय वाई देन एडिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां से एक्स को मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस इसको वाई से वाई डेल एफ बाई डेल वाई, ये क्योंकि हमने जो थ्योरम थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो बनाने के लिए, थ्योरम की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बनाने के लिए, ठीक है। नाउ इसको x से मल्टीप्लाई करो, x इनटू ये क्या हो जाएगा, देखो n x की पावर n माइनस वन और f ऑफ y x फंक्शन ऑफ y x प्लस x टू दी पावर n और इसको x की पावर ये n माइनस टू बच जाएगी, n माइनस टू नीचे x की पावर 2 है ना, माइनस वाई हो रहा है तो इसको ऐसे करो फिर माइनस वाई इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू ये बच जाएगा और एफ डैश वाई बाई एक्स, एफ डैश वाई बाई एक्स ये ब्रैकेट क्लोज, ये तो हो गया एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है इसमें कोई दिक्कत, प्लस प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई तो ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर ये एन माइनस वन एक पावर कम हो जाएगी इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है तो देखो इसको ओपन करो, ये पावर आगे गई तो एक पावर आपके पास एन माइनस वन प्लस वन x की वन पावर है ना ये अंदर गई तो एक पावर और एड हो जाएगी तो क्या बचेगी x की पावर n, तो ये बच गया n x की पावर n और f ऑफ y बाई x आया ना माइनस y इंटू x, अब x की पावर यहां भी एक x जाएगा तो n माइनस टू पहले ही था प्लस वन एक पावर और तो क्या बचेगी n माइनस वन तो x की पावर n माइनस वन एफ डैश y बाई x आया ना, और ये क्या बचेगा आपका प्लस y और x की पावर n माइनस वन और f डैश y बाई x, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका ये बच जाएगा n इंटू, और ये ध्यान से देखो आपका स्मॉल f जो फंक्शन था वही था x की पावर n कैपिटल f y बाई x, तो ये आपका आ जाएगा x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y इक्वल्स टू एन एफ,
यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट इसमें दो तीन चीजें और हैं, वो डायरेक्टली लिख लेंगे और उनके प्रूफ हम कर लेंगे। कोरोलरी है वैसे तीसी की, बट उसमें से सुबोध वगैरह में भी आए हुए हैं, हो सकता है आपके भी दे दे, तो क्वेश्चन टाइप भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इफ एफ ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन, बी ए होमोजीनियस फंक्शन, आपका ये एफ एक्स वाई तो क्या है, समघात फलन है किसका, ऑफ एक्स एंड वाई, कितने डिग्री का, एन डिग्री का, ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। तो इसमें दो तीन चीजें हैं अपने पास, तो फर्स्ट हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट ये देखो, ये दिया हुआ है एक्स डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, एन माइनस वन इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, सुबोध में आया हुआ भी अपने पास, ठीक है, सुबोध में 2014 में, हो सकता है बाद में भी आया हुआ हो। प्रूफ लिखेंगे इसका या सॉल्यूशन, एक ही बात है ये। अच्छा, ये डायरेक्ट भी काम में लेंगे कई बार हम क्वेश्चंस में, ये जो दो तीन टर्म हम लिख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी लिखेंगे। हेयर गिवन दैट, गिवन दैट एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, ये आपका क्या दिया हुआ है, समघात फलन है एन घात का, एन घात का समघात फलन है, होमोजीनियस फंक्शन एन कोटि का कह सकते हैं डिग्री को, ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन बाय आयलर थ्योरम। अब आयलर थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, आयलर प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्व टू एन इंटू एफ, हायर में तो कोई डाउट नहीं। नंबर जो आपको प्रूफ करवा रखा है उसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि दोबारा से इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट वन, डिफरेंशिएट वन पार्शियली, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट इसका x के रेस्पेक्ट में दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव हम कर देते हैं तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा। पहले वाला जो है इसका करोगे, अब ये दोनों आपके क्या है, एक्स के फंक्शन है क्या, फर्स्ट वाले दोनों आपके एक्स के फंक्शन है, कौन कौन से, इसमें भी एक्स आ रहा है और ये भी कोई ना कोई एक्स का ही फंक्शन है, तो इसका यू इंटू वी टाइप से होगा। यू इंटू वी टाइप से कैसे करोगे, मान लो मैंने डेल एफ बाई डेल एक्स को तो एज इट इज रख लिया, तो किसका करना पड़ेगा, एक्स का, तो एक्स का तो क्या हो जाएगा, वन प्लस, फिर मैंने अब x को एज इट इज रख लिया तो डेल एफ बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा दोबारा से, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर है ना, प्लस अब यहां पे x के रेस्पेक्ट में करना है तो y तो कांस्टेंट है तो y को तो बाहर ही रख लिया, इसका x के रेस्पेक्ट में करना है तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा डेल टू एफ बाई डेल वाई तो पहले ही था, अब डेल एक्स और कर दिया हमने बाहर से, इस तरफ से तो करते हो डेरिवेटिव, तो डेल एक्स ये हो गया अपने पास इक्वल्स टू एन कॉन्स्टेंट है f का x के रेस्पेक्ट में तो डेल एफ बाई डेल एक्स, इसमें कोई डाउट अब तो दिख गया होगा, जो प्रूफ करना है वो इस वैल्यू को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा अपने पास x डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू, और उस तरफ आपका आ जाएगा n इंटू डेल एफ बाई
डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, ये टर्म उधर ले जाके माइनस, और कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा आपका एन माइनस वन, दोनों में से डेल एफ बाई डेल एक्स कॉमन ले लो, यहां से तो एन बच गया, यहां से वन बच गया, एन माइनस वन, ये प्रूफ करना आपको। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दो, ये जो आया है x डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे देंगे। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, ये है अपने पास x डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, तो यहां से साफ दिख रहा है कि आपका y के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा दोबारा से फर्स्ट वाली इक्वेशन का, n माइनस वन डेल एफ बाई डेल वाई, आया ना, इसमें लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। अच्छा पेपर में ऐसे मत कर देना इक्वेशन वन का, पहले तो इक्वेशन वन भी तो लिखोगे पेपर में, तो क्या करोगे, मान लो पेपर में यही वाला आ गया, फर्स्ट नहीं आया सिर्फ ये दे दिया आपको, तो क्या करोगे, पहले तो वही लिखोगे कि let fxy is homogeneous function of degree n, ठीक है, then by Euler theorem we can say that, तो Euler theorem से क्या लिखोगे, l sorry x del f by del x plus y del f by del y equals to n into f, वो लिख दिया, उसको equation number one नाम दे दिया, और उसका फिर बाद में लिखोगे कि differentiate this equation with respect to y, we get, बताओ क्या मिल जाएगा, क्या थी equation, ये थी अपने पास x del f by del x plus y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ, एन इंटू एफ, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो क्या आ जाएगा, बताओ यहां से फर्स्ट वाले में x तो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, तो ये तो बाहर ही रह गया आपका, x तो बाहर रह गया, ठीक है, और इसका कर दोगे, इसका करोगे तो डेल एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स, ये हो गया y के रेस्पेक्ट में प्लस, अब ये दोनों y के फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो इसका अगेन किससे होगा, u इंटू v से, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले y को एज इट इज रखा, तो इसका तो हो जाएगा डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर दूसरे केस में डेल एफ बाई डेल वाई को एज इट इज रखा, तो इसका हो जाएगा वन, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू एन एज इट इज, एफ का हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए ये दोनों टर्म, ये और ये, इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा आपका x डेल टू एफ वाई, अच्छा डेल वाई डेल एक्स लिखो या डेल एक्स डेल वाई लिखो, ये मैंने लिखवाया अभी था आपको, ये दोनों टर्म आपके बराबर आ रही है, प्लस y डेल टू एफ वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो वो सेम वही बच जाएगा एन एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आपका नंबर थ्री, इसको नाम टू, इससे पहले वाले को नाम दे दिया था, ये आपकी थ्री हो, चाहो तो इधर साइड में लिख सकते हो, बिकॉज जो पार्शियल डेरिवेटिव हो वो इमेटीरियल है, यानी डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई आपके बराबर है डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, यानी पहले आप एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, फिर उसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर दो, या फिर पहले वाई के रेस्पेक्ट में करो फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, दोनों वैल्यू आपकी क्या रही है सेम, ये पहले भी लिखवा दिया था। अब जो थर्ड पूछा है उसने, थर्ड देखो क्या पूछा है, थर्ड आपके पास है कुछ एक्स स्क्वायर में होगा, हाँ एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2xy del 2f by del x del y plus y square del 2f by del y square equals to n n minus 1 into f, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, हमने जो पहली जो टर्म निकाली थी उसमें क्या था x del 2f by del x square था,
एक्स डेल्टा एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर था, और यहां चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको तो आपको एक्स से क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। फर्स्ट थी या सेकंड थी, वो सेकंड थी है ना, फर्स्ट तो आपने आयलर वाली लिखी थी, तो इक्वेशन सेकंड इनटू एक्स करवाना पड़ेगा पहली चीज तो, प्लस फिर दूसरे में देखो उस जो दूसरा वाला था उसमें देखो डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर के साथ वाई था आपके पास, और यहां क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, तो इक्वेशन थ्री को ये जो है इक्वेशन थ्री कौन सी थी ये है ना, इसको देखो यहां पे हमें ये टर्म देखो यहां पे वाई स्क्वायर चाहिए तो इसको y से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो इक्वेशन 3 इंटू वाई, और दोनों को ऐड करने पर देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 को तो x से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x से, तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये यहां तक नोट कर लो मैं एक बार, हो गया x से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट को, तो वो तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर पहली जो टर्म है उसको, दूसरी जो टर्म थी वो देखो फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में मतलब सेकंड इक्वेशन में y डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, तो वो हो जाएगा आपका एक्स वाई डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई है ना, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं ओनली। अब ये तो फर्स्ट वाली को x से मल्टीप्लाई करवा दिया, दूसरी को y से करवाओगे और उसको ऐड करोगे तो दूसरी को टर्म हो जाएगी एक्स वाई डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई, और प्लस फिर दूसरी टर्म उसमें y में थी तो y स्क्वायर हो जाएगा डेल टू एफ वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें किसी को दिक्कत? अब राइट हैंड साइड आ जाओ, राइट हैंड साइड में पहली वाली को x से मल्टीप्लाई, तो पहली ये थी n माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस, फिर दूसरी वाली को y से मल्टीप्लाई तो दूसरी वाली ये थी n माइनस वन डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वेयर यही पूछा है, प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी क्लियर है, दूसरी तरफ पूछा है एन इंटू एन माइनस वन एफ, देखो ये तो क्या बन जाएगा एन एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स पहली जो टर्म था वो तो, और ये बन जाएगी माइनस एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, यहां से देखो प्लस एन वाई डेल एफ बाई डेल वाई, और ये बन जाएगा माइनस वाई डेल एफ बाई डेल वाई है ना, और इतना करने की जरूरत ही नहीं थी इसको, एन माइनस वन डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते है ना, चलो कोई नहीं ये कर दिया तो अब क्या करोगे, एन वाली जो टर्म है उनको तो एक साथ लिख लो, ये एन वाली टर्म्स वैसे कंफ्यूज मतलब एक्स्ट्रा स्टेप ही बढ़ गया, तो n माइनस वन को यही कॉमन ले लेते तो क्या बनता है ये x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y, और वो क्या बन जाता आपका n इंटू एफ, तो n माइनस वन ऑलरेडी बाहर था और n इंटू एफ बढ़ जाता, ठीक है चलो ऐसे लिख लिया, तो इसको नहीं लिखा है जब तो डायरेक्ट लिख लेना, लिख लिया तो इसको इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेंगे तो n तो कॉमन x डेल f बाई डेल x ये सॉरी, और यहां से क्या बन जाएगा प्लस y डेल f बाई डेल y, फिर इन दोनों में से आपका माइनस वन कॉमन, ठीक है तो यहां तो क्या बच जाएगा x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y है ना, और इस वैल्यू को लिख देंगे n, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी n इंटू एफ माइनस, और ये वैल्यू n इंटू एफ, दोनों में से एन एफ कॉमन, तो यहां से तो बच गया n और यहां से बच गया वन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ, इतनी जरूरत ही नहीं थी वो हमने ओपन इसको जबरदस्ती कर दिया, n माइनस वन यहीं पे कॉमन ले लेना, तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई उसी को nf लिख दो आयलर थ्योरम से फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट से हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक,
क्वेश्चन बड़े इजी हैं, क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो कर ही लो, छोटा सा ही है, बाकी फिर कल करवा देंगे, कुछ खुद से ट्राई करना हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही करते हैं। इसने गिवन सबसे पहले तो फंक्शन किसका दे रखा है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, और ये दे रखा है आपको 3x² y z प्लस 5x² z प्लस 4z² ये कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि जो आयलर थ्योरम है उसको वेरीफाई कीजिए। आयलर थ्योरम क्या कहती है कि x ∂f∂x प्लस y ∂f∂y और इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो z ∂f∂z इक्वल्स टू आना चाहिए n इनटू फंक्शन। तो n n यहां पे क्या होता है उसकी डिग्री, यहां पे डिग्री कितनी है, हर एक टर्म पावर 4 है, सॉरी यहां पे पावर 4 होगी, 4z4 है ना, तो पावर 4 है अपने पास, तो n क्या हो जाएगा 4। तो जब हम टोटल करें x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई प्लस z डेल एफ बाई डेल z करें तो इक्वल्स टू में आना चाहिए 4 इंटू ये जो फंक्शन है वापिस यही, तो आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। देखते हैं नाउ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे पहले तो f का x के रेस्पेक्ट में, बताना क्या आ जाएगा, इसमें है x की टर्म, इसमें है, इसका तो 0 हो ही जाएगा, इसका क्या हो जाएगा अपने पास पावर आगे तो 6 एक पावर कम और वाई जेड तो कॉन्स्टेंट है ही, प्लस यहां पे एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का तो 1 बाकी बच गया तो 5y² z। इसमें कोई डाउट, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। डेल एफ वाई डेल वाई वाई के रेस्पेक्ट में करो, वाई के रेस्पेक्ट में यहां है वाई, वाई का तो 1 तो ये बच गया 3x² z प्लस एक यहां है वाई तो इसका क्या हो जाएगा आपका आगे आ गया तो 10x y z, y की एक पावर कम होगी, थर्ड वाले में तो ओनली z का है, डेल एफ वाई डेल जेड जेड के रेस्पेक्ट में z वाले में तीनों का ही होगा, इसमें तो क्या हो जाएगा z का 1 तो 3x² y प्लस इसमें z का 1 तो 5x² प्लस यहां पे पावर आगे आ जाएगी ये z 4 है नहीं दिख रहा हो तो z की पावर 4 पावर आगे आ गई तो क्या हो जाएगा 16 एक पावर कम z के। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अब देखो नाउ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स हमें जो निकालना है उस पे आते हैं, वाई डेल एफ बाई डेल वाई आयलर थ्योरम अप्लाई करनी है, मतलब सॉरी वो वेरीफाई करनी है कि आयलर थ्योरम आपकी सही है या नहीं है, यहाँ पे मतलब वो तो थ्योरम तो सही है यहाँ पे आपकी अप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही, इक्वल्स टू तो देखो क्या किया, फर्स्ट वाली को एक्स से मल्टीप्लाई, इसको एक्स से मल्टीप्लाई, सेकेंड को वाई से मल्टीप्लाई, थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई, तो एक्स से मल्टीप्लाई थी तो देखो क्या बन जाएगी 6x² y z प्लस 5x² z, x से मल्टीप्लाई हो गया प्लस है सेकेंड वाली टर्म को y से मल्टीप्लाई, तो ये तो y से मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3x² y z प्लस 10x² z, 10x² z y से मल्टीप्लाई हो गया 10x² प्लस इसको z से मल्टीप्लाई तो 3x² y z प्लस यहां z से मल्टीप्लाई 5x² z प्लस यहां भी z से मल्टीप्लाई तो 16z की पावर 4। अब देखो कोई टर्म्स कॉमन आ रही है क्या, कुछ x² y z की टर्म एक यहां है तो मैं इसको रेड कर देता हूं, एक तो यहां है एक यहां है x² y z और एक यहां है x² y z, कितना हो गया टोटल 6 3 9 और 3 12, 12x² y z है प्लस x y² z और x y² z कितना हो जाएगा 15 15 20, 20x y² z प्लस ओनली z वाली जो टर्म थी ये आ गई ये आ गई ये आ गई ये
16 जेड की पावर 4, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो देखो क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहां क्या बच जाएगा 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस, और यहां पे 4 जेड 4 जो कि आपका क्या है फंक्शन है जो दिया हुआ था, ये तो था। तो आपके पास ये बन गया x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y प्लस z डेल f बाई डेल z इक्वल टू 4 इंटू, और ये क्या बन गया आपका फंक्शन ही बन गया, कौन सा एक्स वाई जेड वाला फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही, 4 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन था, तो आयलर थ्योरम क्या कहती है कि x डेल f डेल x सॉरी f बाई x प्लस y डेल f बाई डेल y प्लस z है तो z डेल f बाई डेल z इक्वल्स टू n, n यहां पे क्या था आपका कि उसकी डिग्री कितनी थी, यहां पे डिग्री 4 थी तो 4 इंटू फंक्शन आ गया, हेंस आयलर थ्योरम इज वेरीफाइड, आयलर थ्योरम इज वेरीफाइड। इसमें कोई डाउट? ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग ट्राई करेंगे, थ्योरम वेरीफाई करनी है इसमें, है ना, कोई नहीं होता है तो वो बता देना। जो जो हो ठीक है, बाकी इसमें एक दो क्वेश्चन कल और करवाएंगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा नहीं इसमें 2-3 क्वेश्चन और करवाते ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को करना कैसे, फिर कल इसके सारे हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज के फिर सारे कर लेना कल फिर, ठीक है, मतलब 1-2-3 जो एग्जांपल्स आए हुए हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट की बजाय यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एक्सरसाइज से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और एग्जांपल्स भी कई आए। चलो बाकी इसमें कल करते हैं, यहां तक कोई डाउट?